हेलो भाई, मैं अरुण पवार। आज कार में कुछ एसेसरी डलवाने आया हूँ मैं, जैसे कि 70 मैट्स जो मैंने आपको बताया उनसे बहुत परेशान हूँ, प्लस मैं स्टेयरिंग रैप वगैरह ये सारी चीज़ आज मैं करवाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, मैं करोल बाग में हूँ, दिल्ली आया हुआ था। तो इधर देखते हैं बढ़िया सी दुकान, उधर कराते हैं सारा काम, क्यों सस्ते में चाहिए और बढ़िया चाहिए। तो एसेसरीज क्या क्या लगाने वाले हो राका भाई आप? एसेसरीज में लगाएंगे आज तुम्हारी गाड़ी के अंदर, एक तो पीछे बैक बम्पर के रिफ्लेक्टर चेंज करेंगे, स्टीयरिंग रैप करेंगे ओरिजिनल, वेलकम प्लेट लगाएंगे और एक 70 मैट लगाएंगे। ठीक है, तो भाई दिखाता हूँ आपको कैसे क्या काम होता है सारा। हाँ, तो भाई करोल बाग को पूरी एक्सप्लोर करने के बाद एक दुकान मिली मेरे को राखास करके, वहाँ पे मैंने एसेसरीज का पूरा काम कराया और क्या क्या एसेसरीज इसमें लगी हैं वो मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ आज इस वीडियो में। और ये इंपॉर्टेंट हो भी सकती हैं बहुत लोगों के लिए, और आप अगर एक बलेनो वगैरह ऑन कर रहे हैं कोई भी गाड़ी तो आप ज़रूर इनको लगवा सकते हैं करोल बाग जाके। और मेरे को काफ़ी काम की एसेसरी लगी। सबसे पहली एसेसरी जो मैंने एसेसरी का नाम लेते ही उन भाई से, उन्होंने जिसका कहा वो था रिफ्लेक्टर्स। तो ये रिफ्लेक्टर्स होते हैं जो कंपनी से आते हैं, मारुति सुजुकी से वो आते हैं, एक डमी टाइप बस लाल लाल होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ऐसे कुछ लगाए गए हैं रिफ्लेक्टर। मैं यहाँ पे इनको एक बार, ये ना पार्किंग लाइट के साथ काम करते हैं, जैसे अपनी ये पार्किंग लाइट मैंने ऑन करी तो यहाँ पे अपनी पार्किंग लाइट ये ऑन हो जाती हैं, लेकिन उसी के साथ साथ इसमें इस तरीके से ये जलती है। और जैसे हम ब्रेक मारते हैं, एक बार मैं कहूँगा ब्रेक मार, तो जैसे ही वो भाई ने हाथ से ब्रेक मारी तो ऐसे डार्क हो जाते हैं। तो ये बहुत मस्त लगते हैं, मतलब इनके साथ ये काम करते हैं, जैसे ये डार्क हो जाते हैं ब्रेक लगने पे ऐसे ही हो जाते हैं। इनकी इंस्टॉलेशन कैसे होते हैं वो आपके दिमाग में होगा, वो आप देखिए इस वीडियो में आगे कि कैसे इनकी इंस्टॉलेशन हुई। हाँ, तो रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं भाई, मतलब जब ब्रेक लगेंगे तो ये भी जलेंगे। डमी है अभी से, तो अभी क्या जो कंपनी से आती है डमी होती है वो, ये डमी है उसमें हम लाइट लगाएंगे। स्टाइलिंग वाली है क्या वो, जो जो इंडिकेटर के साथ भी जलती है? इंडिकेटर वाली नहीं होगी, स्टिल होगी, ब्रेक पे डार्क हो जाएगी। हाँ, वो भी चेंज हो रहे हैं, टेल लैंप्स वगैरह सब कुछ उतार दिए भाई ने। अभी रिफ्लेक्टर का काम चल रहा है, रिफ्लेक्टर डलेंगे इस वीडियो में और स्टेयरिंग रैप होगा। और ये अब भाई एक साल इसको 25 फेब को होने वाला है, या आप हो चुका होगा जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो एक साल बाद काम करा रहा हूँ। सर रिफ्लेक्टर भी भाई ने लगा दिए हैं। वायरिंग इनकी, इसकी वायरिंग कैसे होती है भाई? टेल लैंप पे कनेक्शन, ब्रेक पे डार्क हो जाएगी वैसे नॉर्मल। खराब तो नहीं होते ना भाई ये? नहीं भैया। अरे यहाँ से होगा भाई, यहाँ से कनेक्शन होगा? हाँ भाई, यहाँ से कैसे जोड़ोगे? यहाँ से कनेक्शन होगा, कपलर से ही होगा ना? हाँ कपलर से। ठीक है। रिफ्लेक्टर्स के बाद जो सेकंड एसेसरी अपनी गाड़ी में इंस्टॉल हुई है एक साल के बाद, वो है स्टीयरिंग रैप। ये स्टीयरिंग रैप मैंने करवाया था और इसकी फिनिशिंग आप देखो तो भाई एक नंबर की फिनिशिंग जो मेरे को करके दी है भाई ने। इसका मैं बताता हूँ, मैंने एक बार बोला था एक साल पहले जब मैं वीडियो बनाया करता था कि मेरे को ये कवर वगैरह पसंद नहीं है क्योंकि जो स्टेयरिंग है वो मोटा हो जाता है। लेकिन अब अल्फ़ा या किसी भी आप टॉप ब्रांड को चलाते हैं तो आपको तब समझ आता है कि भाई ये कितना ज़रूरी है। मोस्टली सर्दियों के सीज़न में और बारिश के सीज़न में आपका हाथ फिसलता है टर्न वगैरह पे, तो उस वक्त एक साल जब मैंने ये सब चीज़ देख ली तब मेरे को इसकी बहुत ज़्यादा नीड लगी अपनी गाड़ी में। और मैंने जाके भाई से कहा कि मेरे को टॉप मॉडल वाली भाई, क्योंकि मैंने मार्केट में पहले भी ट्राई कर लिया था अपने लोकल में, तो वो 500 रुपये में चढ़ा तो रहे थे लेकिन वही फिनिशिंग नहीं आ रही थी उन पर। और यहाँ पर आप देखें तो बिल्कुल बारीकी से इतना बढ़िया काम हुआ है, यहाँ पर आप देखें तो बहुत अच्छा काम हुआ है। इन सब की कीमत मैं आपको एंड में वीडियो में ज़रूर बताने वाला हूँ। तो जो ये इसका कैसे काम हुआ, कैसे किसने स्टिचिंग करी वो इस वीडियो में देखिए। अब आगे तो मैं भाई से बोल रहा था कि सिल्वर वाली कर देना स्टिचिंग, लेकिन भाई बोल रहे 3 ही चलता है, रेड और कौन सा भाई, ये बेज, बेज। अच्छा, और एक रेड ब्लैक, तो ब्लैक ही करवा लेते क्योंकि मैं सिल्वर की, देखो ये सीट भी अपनी ऐसी सिल्वर है तो थीम कर जाता थोड़ा, पर सही है ब्लैक वाले ही करवा लेते हैं। वो फिनिशिंग मेरे को चाहिए थी ना, बिल्कुल भाई साहब ऐसे ही करके दे रहे हैं, देखो पूरे चश्मे वगैरह लगा के पूरी बारीकी से इसको सील रहे हैं, इसकी ग्रिप भी काफ़ी सही है। तो स्टीयरिंग रैप के बाद तीसरी एसेसरी जो अपनी गाड़ी में लगी वो ये थी बलेनो की स्कब प्लेट। मैं इनको बेकार समझता था कि ये खामाखाई चाइनीज सी गाड़ी लगते, लेकिन भाई जब आप रात में इनको देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, आपका बहुत ज़्यादा उजाला कर देती हैं। अभी तो हालांकि शाम है, 5:19 हो रहे हैं शाम के, तो आपको इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होगा, लेकिन मैं एक रात की क्लिप यहाँ पे डाल दूंगा।
अब आप सोचोगे कि यार हमेशा जलते रहेंगे क्या, जैसे तो ये इसका कनेक्शन होता है आपकी डोर लाइट से, जैसे ही दरवाजे खुलेंगे तभी ये जो है जलने लग जाते हैं, बहुत मस्त लगते हैं जलते हुए। आप जरूर इनको अपनी गाड़ी में लगवा सकते हैं। उस वाली को दिखाता हूँ, फिर पीछे वाले को दिखाऊंगा कि वो कैसी है। और बंदा हमेशा जो आपकी गाड़ी में बैठेगा या उतरेगा वो जरूर पूछेगा कि ये कहाँ से लगवाई या कैसे, मतलब एक बहुत अच्छी लुक दे देती है आपकी कार को। और स्पेशली जो भी आप कार लेके आते हो उस पर लिखा होता है कि किस कार के लिए पर्टिकुलरली है। अब इनका कनेक्शन तो यहाँ से वायरिंग जाती है ऐसे करके अंदर, वो मेरे को ज़्यादा आइडिया है भी नहीं उसका। अब नेक्स्ट चीज़ जो कि आपने नोटिस कर ली होगी इतनी वीडियो देख कर, वो है 70 मैट्स। वॉशिंग वाली वीडियो में मैंने बताया था कि जो 3D मैट मेरी गाड़ी में पड़े हुए थे उनसे मैं काफ़ी दुखी हो चुका हूँ और मैं इनको अपग्रेड करने वाला हूँ, तो 70 मैंने अपग्रेड कर लिए हैं। और ये भाई बहुत ही बढ़िया है। और 3D का क्या होता था, मेरे को डेली या दो दिन में उनको झाड़ना ही पड़ता था, और इसमें कम से कम हो गए इस वीडियो जब मैं बना रहा हूँ सारा काम कराने के बाद, सात दिन बाद एक हफ्ते बाद, फिर भी आप देखें तो इतनी धूल मिट्टी तो ऑब्वियसली लगी जाती है, लेकिन फिर भी बहुत ही बढ़िया मेरे को ये 70 मैट्स इनके लगे। पीछे की दिखाता हूँ तो आपका पूरा एक ही होता है। तो इसमें क्या होता है, आप इनको हटा के, जैसे ये है इनको हटा के और इनको झाड़ सकते हैं और आपको पूरा ये हटाना नहीं पड़ता। एक ये एसेसरी हो गई। तो मैंने अपनी कार में करोल बाग जाके 4 एसेसरीज जो मेरे को असेंशियल लगी वो मैंने इस कार में अपनी में कराई। और अगर आपके पास पुरानी भी या कोई नई गाड़ी भी अगर आप ले दो तो इन एसेसरीज़ का मेरे ख्याल से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार पैसा क्या डालना, जैसे मैट वगैरह हो गए तो एक बार में पैसा डाल के बाद को फारिग करो, आपको मज़ा आएगा 70 मैट्स यूज़ करने में। और उनका 3D मैट्स का यही तो एक डिसएडवांटेज होता है कि वो एकदम जैसे कोई बंदा यहाँ पे वो सिंगल सिंगल पीस होते हैं तो ऐसे चढ़ता है तो पूरी ऊपर चढ़ जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा गंदी वो चीज़ लगती थी। तो जिसके बाद मैंने 70 मैट्स अपग्रेड कर लिए, और तो ये 4 एसेसरीज़ मैंने लगवाई थी करोल बाग जाके। अब इनका प्राइस वगैरह कितना है ये आप जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, तो वो अब आप जान लीजिए खुद राखा भाई से जहाँ पे पूरा जिनकी दुकान पे काम हुआ था। तो सारा काम डन हो चुका है भाई, एक बार कॉस्टिंग और आइडिया दे देते सभी को कि कॉस्टिंग कितनी लगी है। 70 मैट भैया पड़ेंगे आपको मोस्टली रनिंग गाड़ियों के 2200, रिफ्लेक्टर लाइट पड़ेगी 300, और वेलकम प्लेट पड़ेगी 800, और चौथी आइटम क्या है, स्टेयरिंग रैप पड़ेगा भैया ओरिजिनल फिटमेंट वाला करवाते हो सेम कपड़े के अंदर जो सिला है वो 800। तो भाई आपने प्राइस वगैरह भी जान लिया, मेरे ख्याल से वर्थ इट है। बाकी अभी और भी ऐसे इसमें मैं डलवाने वाला हूँ, जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा आपको और एसेसरीज मिलती रहेंगी, जैसे फोग लैम्प वगैरह इनमें प्रोजेक्टर डलवाऊंगा ऐसे करके। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आप ऐसा कोई काम कराना हो सस्ते में और बढ़िया तो आप राखास पे जाके करोल बाग में जरूर जा सकते हैं। उनका एड्रेस वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में, फोन नंबर वगैरह मिल जाएगा। 10/10158 सुंदर प्लाजा अब्दुल अजीज रोड करोल बाग अपोजिट आनंद होटल। गूगल पे भी आप राखा की कार एसेसरी डाल के नेविगेशन से आ सकते हैं। काफी सारा आइटम है इनके पास तो आ सकते हैं। फोन नंबर और बता दे 7065860039। वीडियो देखने आपका धन्यवाद। पसंद आए हो तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।